अरोग्या धाम रिट्रीट और माँ योग आश्रम आप देख रहे हैं। सैकड़ों लोगों को मैं यहाँ दो दिनों में हंसता देख चुका हूँ। मैंने पूछा भी था कि क्या जड़ी बूटी है जिससे जो लोग परेशान आते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले उस टॉनिक का नाम बता देना, बाकी चर्चा बाद में करेंगे, जो माँ योग आश्रम में आते ही मिल जाती है हंसने लगा। सबसे पहले जो टॉनिक सर यहाँ पे है, हम सभी लोगों जो भी हमारे आते हैं उनके रिस्पेक्ट करते हैं, उनको ऑनर देते हैं। और देखिए, किसी को भी अगर खुश रहना है तो उसको लव देना बहुत ज़रूरी है, और उसको ऐसे एटमॉस्फेयर से सराउंड करना बहुत ज़रूरी है जहाँ उसको प्यार मिले। तो आई थिंक जो लव है, लव इज़ द बेस्ट मेडिसिन। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, फूड इज़ द मेडिसिन एज वेल। तो हमारा जो खाना पीना है वो भी ऐसा है जो आपकी हेल्थ को अपग्रेड ही करता है, ऊपर की तरफ ले जाता है। बाकी देखिए, अभी आपने वीडियो में दिखाया सनलाइट, सनलाइट में बैठिए, देखिए आप कैसे खिलेंगे। डॉक्टर साहब सबसे बड़ी जो सुंदरता है, मैं आपको कैमरे पर भी दिखाना चाहूँगा, वो देखिए, जो फूड आप खुद खाते हैं वही यहाँ पर पेशेंट्स खाते हैं, सब सेम फूड खाते हैं। राइट सर, राइट सर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए अलग भोजन बनता है, पेशेंट्स के लिए अलग बनता है, मतलब सबके लिए सेम है। राइट सर। सर देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, आप एक बहुत ज़्यादा टर्म आजकल यूज़ हो रही है कि फूड इज़ द मेडिसिन। तो हम लोग जो भी अपने यहाँ खाद्य पदार्थ जो है उसकी उत्पत्ति हमारे यहाँ होती है, तो हम नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स उसमें पुट नहीं करते हैं। जनरली आप देखिए, आजकल कितनी सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रही हैं, वो जनरली खाने पीने की वजह से ही हो रही हैं। लीवर सिरोसिस के कितने केसेस हो रहे हैं, CRF किडनी रीनल फेलियर के कितने केसेस हो रहे हैं, या कैंसर के केसेस कितने हो रहे हैं। ये जनरली हो इसीलिए रहा है क्योंकि जो आपके खाद्य पदार्थ हैं उसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए जो है अभी लाइफ स्पैन भी लोगों का कम होता जा रहा है। तो हमारे जितना भी फूड मटेरियल है, खाद्य पदार्थ इस्तेमाल होता है, उसमें भी हम ऑर्गेनिक मैन्योर, सारी चीज़ जितनी प्राकृतिक रख सकें उतनी प्राकृतिक हम रखने का कोशिश करते हैं सर। मैं तो सर यही, माँ योगा आश्रम है वो एक तरह से प्रकृति की गोद के साथ साथ माँ की गोद में भी आप आके दोबारा सुकून की नींद, मतलब जिसको कहते हैं चैन से जीवन व्यतीत करते हैं, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो ठीक हो सकते हैं। सर बिल्कुल, देखिए हमने नाम ही ऐसा रखा माँ। माँ हम किसको बोलते हैं? माँ उसको बोलते हैं जो जनन करती है, जो नरिशमेंट करती है, तभी हम बोलते हैं मदर अर्थ, क्योंकि मदर अर्थ से आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तभी हम बोलते हैं मदर इंडिया, तभी हम अपनी माँ को हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में माँ का दर्जा दिया गया है। तभी हमने कहा है कि माँ योगा आश्रम, जहाँ आपको मदर की तरह हीलिंग नरिशमेंट मिले हर तरीके से, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, ऐसी जगह बनाने की हमने छोटी सी कोशिश की है कि हम छोटे छोटे आस्पेक्ट्स जो हैं उनकी उत्तम अवस्था में दें और लोगों की लाइफ में, हेल्थ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकें। सबसे जो बड़ी खूबसूरती है कि आप देश ही नहीं विदेशों में भी इसका प्रचार कर रहे हो, और जो सनातन संस्कृति है उसको बहुत बहुत बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। सर देखिए, मैंने जैसे कहा पहले, ये हमारी एक पहली वीडियो में भी बात हुई थी, हम लोग सब इंडियन संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, हम उसके एम्बेसडर्स हैं। तो हम जब भी बाहर जाएँ या किसी भी जगह जाएँ, तो हमारे साथ हमारे जो एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने इस ब्यूटीफुल संस्कृति को बनाने के लिए प्रयास किया है, हम उसका भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम जहाँ भी जाएँ अपनी ब्यूटीफुल कल्चर को पॉजिटिव तरीके से रिप्रेजेंट करें कि हमारी इंडियन कल्चर क्या है, हमारे फैमिली ट्रेडिशंस क्या हैं, हमारे फैमिली सिस्टम क्या है, और हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जैसे योगा, आयुर्वेदा, ये क्या है। तो हम इसी के बारे में जहाँ भी जाते हैं हम उसमें थोड़ा सा प्रयास करते हैं सर। और आई एम श्योर यू, आप लोग भी वही काम कर रहे हैं। मैं जितनी भी आपकी वीडियोस देखता हूँ, सारी वो अल्टरनेटिव मेडिसिन या इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर ही होती है। तो आप जैसे लोगों का भी बड़ा सत्कार है कि आप जो है हमारी जो अर्लियर इंडियन साइंसेज हैं, वैदिक साइंसेज हैं, उनके प्रचार और प्रसार में इतनी कम उम्र में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं सर। आप लोगों का बहुत धन्यवाद।